चमुर्ची ग्राम पंचायत के उप प्रधान ने अपने ही प्रधान के ऊपर आरोप लगाते हुए किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए NEI द्वास न्यूज के विशेष रिपोर्टर का यह न्यूज। हमको जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है, प्रेस के जरिए जो है आगे बात बढ़ाने का जो है मजबूर हो गए। आज 2 साल से ज्यादा हो गया हम लोग का GP गठन किया हुआ। इससे पहले जो है दूसरे पार्टी का जो है GP था, अभी जो है अपना GP होने के बावजूद भी हम लोग जो है अभी पब्लिक का जो है कोई काम करने नहीं सकता है। वोट लेने के लिए पब्लिक के पास में हम लोग को जाना पड़ता है, हम लोग जो है नेतृत्व बन जो है जाते हैं। आज पब्लिक का जो है एक तो भी काम हम लोग नहीं कर ले सकते। GP का अवस्था ऐसा है ना, आज तक संचालन कमेटी भी नहीं मैंने बना है यहाँ पर। अभी जो प्रधान है, प्रधान जो है हम लोग का कोई बात सुनता भी नहीं है, कोई बात करता भी नहीं है। कोई बात बोलने के लिए जाए तो बात करने के लिए भी अगले के पास में समय नहीं है। दूसरा नंबर ये पानी का प्रॉब्लम जो है जगह जगह, कुछ दिन पहले समुची बाजार में था, अभी कटलगुड़ी में है, फिर चेकपोस्ट में है। चेकपोस्ट में जो है आज जो है BDO साहब के BDO के तरफ से जो है कुछ पाइप जो है आया, काम आरम्भ भी हुआ, लेकिन बड़ी दुख के साथ में बोलना पड़ रहा है कि वो भी काम जो है रुकने का षड्यंत्र जो है हमारे GP के तरफ से हो रहा है। तो विशेष बात तो हम लोगों के जो है वो प्रधान जी बोले ही, और दुख प्रकट करते हुए हम जो है जिला कमेटी और ब्लॉक कमेटी राज्य कमेटी से हम आवेदन करते हैं कि इस चीज़ को जो है थोड़ा सा देखें, नहीं तो कल जो है आंदोलन के लिए जो है बृहत आंदोलन के लिए जो है हम लोग बाध्य हो जाएंगे। यही करते हुए जो है अपना जो है छोटा सा बात। तो बोलिए खेत के साथ आज हम चामोर्ची अंचल के तृणमूल कांग्रेस के जो कर्मीगण नेतृत्वविंद और साथ ही साथ चामोर्ची ग्राम पंचायत के पंचायत मेंबर एवं पंचायत के साथ साथ में मैं स्वयं उप प्रधान, पंचायत समिति सदस्य और तमाम मेंबर, आज हम लोग बहुत ही खेत प्रकट कर रहे हैं कि आज मीडिया के द्वारा हम तृणमूल कांग्रेस के अल्लाह ओहदाओं के पास, चाहे वह ब्लॉक कमेटी हो, जिला कमेटी हो अथवा राज्य कमेटी हो, आज हमारे चामोची अंचल के जिस प्रकार से रूलिंग गवर्नमेंट के पार्टी में जड़ित होने के बावजूद भी और रूलिंग गवर्नमेंट के पार्टी के ही चामोची अंचल में भी प्रधान एवं बोर्ड गठन होने के बावजूद भी यहाँ के तमाम लोग, आम जनता जो है विभिन्न प्रकल्प के सुविधाओं से जो है वंचित हो रहे हैं। और हमें ये खेद है कि हमारा ही पंचायत प्रधान होते हुए भी GP के परिचालना में जो है जो अनिर्वाचित सदस्य हैं उनको ही लेकर केवल GP का परिचालना में जो है और बिना दफ्तर के लोगों से जो पूछताछ किए, मेंबर से जो बिना सलाह मशवरा लिए वह अनिर्वाचित सदस्यों के द्वारा जो है GP को जो है संचालन कर रही है। खेत के साथ हमें कहना पड़ता है कि जो है पेयजल विभिन्न जगहों पर हमारे चामोची अंचल में जो है चेक पोस्ट एवं कर्णगुड़ी से विगत कई महीनों से जो है उनका दरख्वास्त आ रहा है चामोची GP में, किंतु उस पर जो है आज तक प्रधान जो है किसी प्रकार का सुनवाई करने के पक्ष में नहीं है। हमारे दफ्तर एवं जनरल मीटिंग में भी जो है इस मीटिंग इस विषयों पर जो है आलोचना के बाद में जो उसको रिजोल्यूशन लेने के बाद भी वह जो है इस पर कोई उचित कदम जो है नहीं उठा पा रही है। हमें धन्यवाद दे रहे हैं कि जो है BDO ब्लॉक के द्वारा जो है उन्होंने जो आश्वासन दिया और उन्होंने जो पाइप का व्यवस्था की, इसके लिए हम लोग बहुत ही BDO साहब जो है धन्य के पात्र हैं और सहयोग किए। किंतु हमारे ग्राम पंचायत के माध्यम से थोड़े
छोटे रकम के लिए भी जो है इसको किसी प्रकार का जो है कदम पालना करते हुए, जिससे जो है चामुर्जी चेक पोस्ट के वासियों को जो है पेयजल प्राप्त होने में जो दिक्कतें हो रही है, करलगुड़ी चाय बागान में जो है उनको जो पेयजल प्राप्त करने में जो असुविधा हो रही है। ये रही वर्तमान परिस्थिति। आज का ही दिन है कि जो आज भी जो हम लोग सारा दिन प्रधान को जो उपेक्षा इंतजार करते रहे। आज भी जो है हम लोग जो है प्रधान के साथ में जो कोई कांटेक्ट नहीं होने के कारण से जो है चेक पोस्ट और करलगुड़ी का जो पेयजल के लिए जो छोटे छोटे कार्य में जो है बांट कर उसको मैंने स्पोर्ट कोटेशन के माध्यम से जो वहाँ पर पानी की सुविधा को जो मुहैया करने का चेष्टा हम लोगों ने किया था, किंतु प्रधान की अनुपस्थिति के कारण से हम लोग नहीं कर पाए। इसी तरह विगत कोविड-19 को लेकर भी जो है एक कमेटी गठन की गई, किंतु प्रधान के मैंने उचित कार्रवाई ना कदम ना उठाने के कारण से हम लोग इस क्षेत्र में जो है ना तो सैनिटाइजर का छिड़काव कर सके, ना ही जो बाहर से होम क्वारंटाइन, क्योंकि हमारे चाय बागान क्षेत्र में जो है होम क्वारंटाइन करने के लायक जो है क्वार्टर्स नहीं है, जिसके कारण से जो हम लोगों ने निश्चय किया था कि किसी भी स्कूल को जो है क्वारंटाइन सेंटर में जो परिणत करके वहाँ जो बाहर से आए हुए लोगों को जो है क्वारंटाइन होम क्वारंटाइन के रूप में रखें, किंतु उनको भोजन की असुविधा, वहाँ सैनिटाइजर की असुविधा, सैनिटाइजिंग की असुविधा, लेटरिन बाथरूम की असुविधा वर्तमान में भी है, किंतु हम लोग एक समाज सेवा के रूप में जो है प्रधान या जीपी के द्वारा ना उठाने के कारण से हम लोग बाध्यतावश आज हम लोग पार्टी कार्यालय में जो है वहाँ जो क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे हैं, कम से कम शुरुआत में हम लोग 90 से 100 लोगों के लिए जो खाना हम लोग प्रत्येक कोई जो कंट्रीब्यूशन करके खाना पहुँचाते थे, आज तक जो हम लोग पहुँचाते आ रहे हैं, किंतु हमारे प्रधान सहिब जो है उसको बुलाने पर भी यहाँ पर जो किसी प्रकार का सहयोग हम लोग प्राप्त नहीं किया है। साथ ही साथ प्रधान जो हमारे साथ जो अनिर्वाचित सदस्य हैं उनको लेकर चलने के कारण से जो है जो कदम उठाना चाहिए पंचायत व्यवस्था कानून के अनुसार वो भी नहीं कर रहे हैं, वो अनिर्वाचित सदस्यों को लेकर जो काम कर रहे हैं। हम लोग जो बेसहारा हो गया है, यहाँ दफ्तर का कोई कार्यक्रम नहीं है, दफ्तर से जब बिना पूछताछ किए हुए जो यहाँ बिल पास किया जा रहा है, टेंडर किया जा रहा है और उनको जो है वर्क ऑर्डर दिया जा रहा है, तो इसलिए हम लोग जो जिला कमेटी हमारे तृणमूल कांग्रेस के जिला कमेटी, ब्लॉक कमेटी एवं राज्य कमेटी से हम लोग दरख्वास्त करना चाहेंगे कि जो है इस चीज़ को लेकर जो है कम से कम हमें गाइडलाइन करें एवं प्रधान संविधा को भी जो है कुछ गाइडलाइन तक करें, ताकि हमारा जो संगठन है हम उसको जो है एक छत्र छाया में एक छत्र छाता के नीचे जो हम लोग लाकर जो है लोगों को सुविधा दे सकें।